हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिव शंकर जी के जीएस। शिव शंकर जी के जीएस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री, और इस केमिस्ट्री का टॉपिक है आपका कि पृथ्वी के परत में पाए जाने वाले जो तत्व हैं उनका कितना परसेंट मिट्टी में यानी पृथ्वी के परत में पाया जाता है। और केमिस्ट्री में आप लोगों का चल रहा था मॉडल सेट से ही है, इसको याद रखिएगा। और एक बात ध्यान रखिए कि आप लोगों को बृहस्पतिवार के दिन टेस्ट है हिंदी का शाम 4 बजे, और हिंदी सभी पढ़ते रहिएगा, हिंदी मत छोड़िएगा, जितना वीडियो है सब पढ़िएगा, एक भी नहीं छूटना चाहिए। और एक बात ध्यान रखिए कि अगर पारा मेडिकल निकालना है ना तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और कॉपी पे नोट कीजिएगा, बेगारी नहीं कीजिएगा, क्योंकि अब एग्जाम नजदीक आने वाली है अक्टूबर महीने में एग्जाम होने की संभावना है। अक्टूबर महीने में आपका एग्जाम का एडमिट कार्ड आने की संभावना है, इसलिए बेगारी नहीं करना। 1-2 महीना बचा है, इसको दिल से पढ़ना है, पूरा वीडियो देखिए एकदम जम के। देखिए पृथ्वी के परत में पाए जाने वाले तत्व यानी पृथ्वी के परत में कौन सा तत्व कितना परसेंट पाया जाता है। तो देखिए पहला जो है आपका ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन मिट्टी में जो पाया जाता है यानी पृथ्वी के परत में, तो कितना परसेंट पाया जाता है, 49.85%। कितना? 49.85%। उसके बाद है कि सिलिकॉन पृथ्वी के परत में 26.03% पाया जाता है। सिलिकॉन कितना पाया जाता है? 26.03%। उसके आगे है एल्यूमिनियम पृथ्वी के परत में कितना परसेंट पाया जाता है, तो 7.28%। 7.28%। उसके बाद है कि आयरन पृथ्वी के परत में कितना परसेंट पाया जाता है, तो 4.12%। उसके बाद है कैल्शियम। तो कैल्शियम पृथ्वी के परत में कितना परसेंट पाया जाता है, 3.18%। सब लिखिए, छोड़िए मत, एक एक करके नोट कर लीजिए, केमिस्ट्री का टॉपिक है, समझे ना, एक भी नहीं छोड़िएगा। मॉडल सेट जितना चल रहा है चलने दीजिए, हम जम के पढ़िएगा और लिखिए, याद कीजिए, एक बार वीडियो पूरा देखिए, एक बार याद कीजिए जो लिखे, फिर दोबारा वीडियो देखिए, एकदम याद हो जाएगा अपने आप। खाली सुनने से याद होगा, जितना बार वीडियो देखिएगा उतना जल्दी याद होगा। क्यों? क्योंकि आप सुनिएगा ना तो सुनने से ज्यादा याद होता है। उसके बाद है कि सोडियम पृथ्वी के परत में कितना परसेंट पाया जाता है, तो 2.13%। कितना? 2.13%। उसके बाद है पोटासियम पृथ्वी के परत में कितना परसेंट पाया जाता है, तो वह है आपका 2.33%। कितना? 2.33%। उसके बाद मैग्नीशियम पृथ्वी के परत में कितना परसेंट पाया जाता है, तो कितना परसेंट पाया जाता है, तो 2.11%। इसको देखिए, एक बात ध्यान दीजिए, दशमलव के बाद का जो अंक है उसको तोड़ तोड़ के पढ़िए, एक साथ मत पढ़िए कि दशमलव के बाद 11 पढ़ लिए, दशमलव के बाद 33 पढ़ लिए, दशमलव के बाद 13, नहीं, एक एक अच्छा तोड़ के पढ़ना है। उसके बाद है हाइड्रोजन पृथ्वी के परत में कितना परसेंट पाया जाता है, तो पाया जाता है 0.97%। कितना? 0.97%, याद रखिएगा। उसके बाद है कि टाइटेनियम पृथ्वी के परत में कितना परसेंट पाया जाता है, तो 0.41%। उसके बाद है कि बाकी जो तत्व, देखिए इतना जो तत्व हम बताए इसके अलावा जो भी तत्व बच गया है, और वो सारे तत्व जो बच गया है जो नहीं लिखे यहां पे,
जो यहाँ पे हम लिखे इंपॉर्टेंट लिखे हैं और जो नहीं लिखे हैं वो बच गया है, तो वो सब अन्य तत्व जो बचा है वो पृथ्वी के परत में लगभग 1.39% पाया जाता है। याद रखिएगा, इतना तत्व जो पढ़ा इतना छोड़ करके जो बाकी तत्व पाया जाता है पृथ्वी के परत में वो 1.39% पाया जाता है, सब याद रखिएगा। अब उसके आगे है कि मानव शरीर में पाए जाने वाला तत्व देख लेते हैं कि मानव शरीर में कौन सा तत्व पाया जाता है कितना परसेंट। तो देखिए, ऑक्सीजन, मानव शरीर में ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है, तो 64.5%, याद रखिएगा। मानव शरीर में कार्बन कितना परसेंट पाया जाता है, तो 18.1% पाया जाता है ना, लिख रहा है ना, सब लिखते जाइए, एक भी मत छोड़िए। और इंपॉर्टेंट है 2020 के लिए, उसके बाद हाइड्रोजन मानव शरीर में कितना परसेंट पाया जाता है, तो 10.0%। उसके बाद है नाइट्रोजन मानव शरीर में कितना परसेंट पाया जाता है, तो 3.00%। याद रखिए, नाइट्रोजन कितना पाया जाता है मानव शरीर में, तो 3.00 यानी 3% पाया जाता है। कैल्शियम मानव शरीर में कितना परसेंट पाया जाता है, तो 2.12%। फास्फोरस मानव शरीर में कितना परसेंट पाया जाता है, तो 1.10%। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो 5-6 आपको तत्व लिखा है, इन 5-6 तत्व को छोड़कर बाकी तत्व जैसे पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, आयरन, Fe, लोहा, कॉपर, तांबा, Cu, मैग्नीशियम, ये सारे तत्व जो है ये मानव शरीर में, किसमें, मानव शरीर में अल्प मात्रा में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इतना जो हम आपको बताए, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, इन 6 के अलावा बाकी जो तत्व है जैसे पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, ये सब जो तत्व है ना हमारे शरीर में कम से कम मात्रा में पाया जाता है, यानी अल्प मात्रा में, सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये लिख लीजिए, एक भी नहीं छूटना चाहिए, एक क्वेश्चन भी नहीं, क्योंकि आपका पारा मेडिकल एग्जाम 2020 के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे ही, और ये केमिस्ट्री का ना ये 1% वाला हमेशा पूछता है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा।